हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेके एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा कुल 1760 पदों पर 13 मार्च को परीक्षा आयोजित कराई गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, क्या लिख सकते हैं संभावित कट ऑफ। दोस्तों, मेल और फीमेल के अलग अलग कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, कितने गुना स्टूडेंट्स को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और दोस्तों कितना टाइम आपको दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा से संबंधित हर अपडेट सबसे पहले उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, संभावित कट ऑफ को लेकर बात करने वाले क्या लिख सकते हैं संभावित कट ऑफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पेपर के बारे में बात करते हैं, पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा। देखिए, पेपर के लेवल के बारे में बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर रहा, ठीक है दोस्तों। टफ पेपर नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और जीके के 50-50 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन वाइज कट ऑफ है, नंबर वाइज कट ऑफ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, उम्मीद है आप लोगों ने आंसर की किसी ना किसी संस्था से मिला ली होगी, तो उसी के अनुसार दोस्तों ये कट ऑफ है। अब देखिए, जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं, 115 से लेकर 120 क्वेश्चन के बीच। अगर नंबर की बात करें तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो 230 से लेकर 240 नंबर के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। वहीं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस की बात करें 110 से लेकर 112 के बीच में। तो दोस्तों, ओबीसी की बात करते हैं 111 से लेकर 115 क्वेश्चन। एससी की बात करते हैं तो 105 से लेकर 110 क्वेश्चन के बीच में। दोस्तों, अंत में एसटी की बात करते हैं तो 103 से लेकर 108 क्वेश्चन के बीच में। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन वाइज है, आप नंबर वाइज करो तो इनके डबल कर सकते हो, जैसे 103 के 206 से लेकर और 216 के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये संभावित कट ऑफ है, कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है दोस्तों, कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कट ऑफ इसी के आसपास रहने की पूरी पूरी उम्मीद बताई जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ है। अब दोस्तों, फीमेल के लिए बात करें, फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, फीमेल की बात करें, आप इन सभी नंबर्स में से दोस्तों 10-10 कम कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। 5-5 क्वेश्चन कम कर लीजिए, मतलब नंबर 10 नंबर कम कर लीजिए दोस्तों, इसी के पास रहने की उम्मीद है दोस्तों। अगर इस नंबर्स के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप दोस्तों टाइपिंग की शुरुआत कर दीजिए दोस्तों। आपको टाइपिंग के लिए लगभग दोस्तों कम से कम मिनिमम 45 दिन का समय तो मिलने वाला है। तो दोस्तों, इंतजार करते हैं इसकी ऑफिशियल आंसर की, कब तक जारी होती है। उम्मीद है लगभग 10 से 15 दिन में दोस्तों इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही ऑफिशियल आंसर के संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं।